वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें जिससे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं संजू सैमसन के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 11 नवंबर 1994 को त्रिवेंद्रम केरल में हुआ था और 2022 के अनुसार यह फिलहाल 28 वर्ष के हैं। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रोजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिवनंतपुरम से कम्प्लीट किया। वहीं इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई मार इवेनियस कॉलेज त्रिवेंद्रम से कम्प्लीट किया। वहीं दोस्तों बात करें इनके हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इनका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। दोस्तों यदि बात करें संजू सैमसन के फैमिली मेंबर्स के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके पिता का नाम सैमसन विश्वनाथ है जो कि एक पुलिस अधिकारी हैं। वहीं इनकी माता का नाम लीजी विश्वनाथ है। दोस्तों यदि बात करें इनके भाइयों और बहनों के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका एक छोटा भाई है जिसका नाम है सैली सैमसन। दोस्तों अब बात करते हैं संजू सैमसन के मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो आपको बता दें कि यह मैरिड हैं। इन्होंने वर्ष 2018 में चारू लता के साथ शादी रचा ली। दोस्तों अब बात करते हैं संजू सैमसन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा। संजू सैमसन केरल के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किए जहाँ इन्हें टीम की कप्तानी दी गई और इन्होंने अपने डेब्यू मैच में शतक भी लगाया था। जब यह 19 वर्ष के थे तब आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए 10 लाख रुपए में खेलना स्टार्ट किए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उसी राजस्थान टीम ने इन्हें वर्ष 2022 में 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया और उस टीम का यह कप्तान भी है। इनके क्रिकेट करियर में इनका साथ देने के लिए इनके पिता ने दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दी। दोस्तों आपको बता दें कि संजू सैमसन एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्रिकेट को ही अपना कैरियर के रूप में चुन लिया। वर्ष 2013 के अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मैच में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ट्रॉफी जीतने के लिए 87 गेंदों में शतक बनाए थे। दोस्तों आपको बता दें कि शुरुआत में यह फील्डिंग करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह आज इंडिया के बेहतरीन फील्डरों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों यदि बात करें संजू सैमसन के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में, तो आपको बता दें कि संजू सैमसन अभी तक वनडे और टेस्ट में डेब्यू नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों बात करें इनके T20 डेब्यू के बारे में, तो इन्होंने अपना T20 डेब्यू 19 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ किया। दोस्तों आपको बता दें कि संजू सैमसन का ब्रांड वैल्यूएशन और नेटवर्थ 2022 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। यह अनुमान है कि पिछले वर्ष में संजू सैमसन की कुल संपत्ति में 40% की वृद्धि हुई है। यदि बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि 2022 के अनुसार इनका नेटवर्थ करीब 74 करोड़ रुपये के आसपास है। दोस्तों यदि बात करें संजू सैमसन के फिजिकल स्टैट्स के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका हाइट है करीब 170 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 7 इंच। वहीं इनका वजन है करीब 60 किलोग्राम। यदि बात करें इनके आई कलर की, तो इनका आई कलर है ब्लैक, वहीं इनका हेयर कलर भी है ब्लैक। दोस्तों यदि बात करें संजू सैमसन के कार्स कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें कि इनके पास एक लेक्सस कार और एक मर्सिडीज कार है। तो दोस्तों यह थे संजू सैमसन के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टोरी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।